हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो प्लगइन्स की जो कि वर्डप्रेस में बहुत मशहूर है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑल इन एसईओ और दूसरा है एसईओ यूस्टन। ठीक है, तो हम इन दो प्लगइन्स की बात करने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और अगर कंपेरिज़म करें तो इन दोनों में से विन कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और कौन सा इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एसईओ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेबसाइट बनाने के हवाले से मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मेरे वर्डप्रेस की तरफ। ठीक है, जहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि दोनों प्लगइन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और कौन सा प्लगइन है जो आप लोगों को अच्छा रह सकता है कि आप लोग यूज़ करें और आपकी वेबसाइट रैंक करें। दोस्तों देखो, कुछ लोग आप लोगों को बताते हैं कि रैंक करने के लिए बैकलिंक्स डालो, ये करो, डिटेल्स अच्छी लिखो। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सच है कि ऐसा करना लाजमी है। ठीक है, उसके बगैर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 48 आवर्स के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, दो दिन में आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, एक दिन में आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी आपकी वेबसाइट कोई रैंक नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे आप कितना भी अच्छा एसईओ कर लो और कुछ भी कर लो। ठीक है, हाँ, अगर आप एडवर्ड्स का यूज़ करते हो, आपको पता होगा कि एडवर्ड का यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप 3 टॉप 2 पे चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि आप उसको पैसे पे कर रहे हो उसके, तो उसके ज़रिए भी जो है वो इतनी जल्दी आप टॉप नहीं करवा सकते अपनी वेब को। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ता है अपनी वेब को। ठीक है, और डोमेन जितना पुराना होगा, समझ लो, बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात है। ठीक है, तो आपका डोमेन जितना पुराना होगा उतनी ही उसकी वैल्यू और उतना ही उसका रैंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दूसरों की वीडियोस के चक्करों में ना पड़ो कि 48 आवर्स में कैसे रैंक कराएं अपनी वेब को, ये कैसे करें। हाँ, आप एग्जाम्पल साइट में जो है वो डालें, एसईओ अपना अच्छा रखें तो जल्दी से जल्दी रैंक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चल लेते हैं अपीयरेंस के अंदर। सबसे पहले हम वो दो प्लगइन्स डाउनलोड कर लेते हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, कि कौन कौन सा, मतलब को दो प्लगइन्स के अंदर से कौन सा प्लगइन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं एसईओ लिख के, और दो प्लगइन्स ही ये टॉप पर चल रहे हैं तो इसलिए ये दो प्लगइन्स ही आएंगे हमारे पास ज़्यादातर ऊपर। ठीक है, एक यूस्टन और एक ऑल इन वन एसईओ पैक। ठीक है, हम दोनों इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों देखो, मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो यूस्टन एसईओ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को अपने पोस्ट को एसईओ करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम एक्टिवेट। ठीक है, अब जैसे ही ये भी हो जाता है, इसको भी हम कर लेते हैं एक्टिवेट। ठीक है, अब दोनों प्लगइन हमारे पास एक्टिवेट हो चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, सबसे पहले इसकी जनरल सेटिंग पे चलते हैं, देखते हैं जनरल सेटिंग में ऐसा क्या क्या है जो आप लोगों को हेल्प करा सकता है। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इन वन एसईओ पैक जो है वो सिर्फ वन पेज है। इसको सेट मतलब सेटिंग करना, इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बच्चा भी इसको जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना टाइटल डाल देना है होम का, या डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि पेज टाइटल वगैरह आपकी क्या हो, पोस्ट टाइटल वगैरह, सब कुछ आपको एक ही के अंदर उसने दे दिया है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है वेब मास्टर वेरीफिकेशन। ठीक है, इससे आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करती है
और उनकी गूगल की और bing.com की इनकी नज़रों में बहुत जल्दी आ जाती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो इसके अंदर और मज़ीद इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ SEO, ठीक है, जो ह्यूस्टन SEO कहलाता है। सबसे पहले इसकी चलते हैं जनरल सेटिंग में। तो जनरल सेटिंग में इसका आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले मिल जाता है वेब मास्टर टूल, सही है दोस्तों। तो वेब मास्टर टूल तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चल लेते हैं सर्च अपीयरेंस के ऊपर, ठीक है, कि सर्च अपीयरेंस में आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। यहाँ पे आप लोगों को टाइटल स्पेक्टर सेलेक्ट करने का भी वो मिलता है, ठीक है। कंटेंट टाइप, कि आप लोगों के कंटेंट की टाइप क्या होगी, किस तरीके से मतलब जो है वो होना चाहिए, टाइटल वगैरह, सही है। तो इसके अंदर तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स हैं जो आपकी मीडिया, ये पता है ये क्या काम करता है, मीडिया URL अटैच, ये करता है कि आपकी जो इमेजेस होती है ना उसको गूगल के ऊपर रैंक करवाता है, ठीक है। गूगल के ऊपर आपकी जो पोस्ट इमेजेस होती हैं वो आती हैं, जैसे ही उस इमेज के ऊपर कोई आएगा तो वो डायरेक्ट आपकी पोस्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टैग्स का दिया हुआ है उन्होंने, टैग्स कैटेगरीज वगैरह, ठीक है, हर चीज़। अच्छा दोस्तों, मैं इसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेट करना भी सिखाऊंगा कि ये सबसे अच्छा आप SEO किस तरीके से कर सकते हो, जो आपने देखा होगा ग्रीन सिग्नल्स आ जाते हैं दोनों, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को करना सिखाऊंगा कि ग्रीन सिग्नल्स आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। गेट गूगल अथोराइज कोड, ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो ह्यूस्टन का सर्च कौंसिल जो होता है ना उसका कोड भी डाल सकते हो कि कोई भी आपकी वेबसाइट पर सर्च करेगा तो उस पर भी आपको पैसे मिलेंगे। फिर इसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है ये सोशल, ठीक है, जहाँ पे आप अपने सोशल लिंक्स डाल सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, बहुत सारे, ठीक है। बस दोस्तों ये यहाँ तक ही है, और उसके बाद आपने डालना है XML साइट मैप, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए। तो इसका जो प्रीमियर वर्जन है उसके अंदर तो आपको XML साइट मैप भी मिल जाता है ह्यूस्टन SEO का। तो सब कुछ कंप्लीट है ह्यूस्टन SEO में। तो दोस्तों मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जिन लोगों को SEO करना नहीं आता या SEO यूज़ करना नहीं आता, तो वो अभी ऑल इन वन SEO से काम चला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है कि आप अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है, तो आप फिर ह्यूस्टन SEO यूज़ करो, ठीक है, उसकी प्रॉपर सेटिंग करो। और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो अभी भी ह्यूस्टन SEO को यूज़ करती हैं और इस प्लगइन को टॉप मानती हैं, ठीक है, ठीके? और वाकई में ये टॉप है। अगर आप दोनों का वर्सेस करो तो ये SEO ह्यूस्टन जो है वो अभी भी नंबर वन पर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, टाटा बाय बाय।